नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। राज्य में विधानसभा चुनाव होने के बाद एनडीए की जीत होते ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सीएम पद की गद्दी संभाली। लेकिन जेडीयू की नजरिए से देखें तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को काफी नुकसान हुआ है। चाहे वो तेजस्वी यादव का आक्रामक रवैया हो या फिर चिराग पासवान का जेडीयू के खिलाफ बगावत, इसको लेकर पार्टी ने एक समीक्षा की है। आखिर किन वजहों से पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, आखिर किन वजहों से इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को कम सीटें मिली है, तो वो सारे फैक्टर को जेडीयू ने बताया है। तो हम आपको बताते हैं कि करके जेडीयू ने कौन कौन से फैक्टर दिए हैं बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी हार की। तो जेडीयू ने जो सबसे पहला फैक्टर बताया है, जेडीयू ने बताया कि हार की जो सबसे पहली वजह है वो चिराग पासवान। चिराग पासवान की वजह से जेडीयू को 40 सीटें की नुकसान हुई है। इसलिए भी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को कम सीटों का मुंह देखना पड़ा। वहीं अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो उन्होंने दूसरे फैक्टर में तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी के बारे में कहा कि शायद पार्टी जो है उनके इस सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई, इस वजह से भी पार्टी को कम सीटों का मुँह देखना पड़ा। वहीं अगर बात करें तीसरे फैक्टर की तो तीसरे फैक्टर में जेडीयू ने कहा है कि शायद नीतीश कुमार के अलावा भी कोई जेडीयू का अन्य चेहरा होता, स्टार प्रचारक होता, जो जिले में जाके अपनी पार्टी का प्रचार करता। शायद यह भी एक वजह हो सकती है कि नीतीश कुमार ही एक अकेले चेहरे जेडीयू के लिए बने रहे और खुद ही जाकर चुनाव में प्रचार करे, इस वजह से भी उन्हें कम सीटों का मुंह देखना पड़ा। और चौथा जो फैक्टर है वो एनआरसी का मुद्दा है। एनआरसी के मुद्दे के बारे में जेडीयू ने साफ तौर पर कहा है कि जो एनआरसी का मुद्दा है उसे मुसलमानों के बीच में सही तरीके से रख नहीं पाए, उन्हें समझा नहीं पाए, इसलिए जो मुसलमानों का वोटर जो है वो उन्हें वोट नहीं दे पाया। वहीं जो पांचवें फैक्टर की अगर हम बात करें तो जेडीयू ने कहा कि शायद यह भी एक वजह हो सकती है कि पार्टी ने जो विकास के कार्य किए हैं, जो विकास का काम किया है, शायद वो जनता के बीच में उन्हें रख नहीं पाए हैं, जनता को सही तरीके से समझा नहीं पाए। तो ये पांच फैक्टर है। और एक फैक्टर उन्होंने और भी दिया है कि बीजेपी के साथ अच्छी तालमेल नहीं थी, इस वजह से भी पार्टी को कम सीटें मिली है। तो ये छह फैक्टर जेडीयू ने रखा है। हार की समीक्षा करते हुए जेडीयू ने इन छह फैक्टरों को सामने रखा है और बताया कि इन्हीं छह फैक्टर की वजह से पार्टी को कम सीटें मिली है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।